शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड उभरता, झारखंड हमारा झारखंड उभरता, झारखंड। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम आरती भारद्वाज है। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बातों को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि कैसे महिलाएं स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर हुई हैं, यानी कि स्वरोजगार से जुड़कर अब महिलाओं को आर्थिक रूप से आबादी मिल रही है। गरीबी और अशिक्षा के चलते जहाँ महिलाओं के पास आर्थिक रूप से आज़ादी नहीं थी, लेकिन अब महिलाओं ने अपने जुनून के बल पर एक अलग कहानी लिखी है और अपने परिवार की तकदीर को बदल रही हैं। वो घर में ही रहकर अलग अलग तरीके के काम करती हैं जिससे उन्हें बाहर भी नहीं जाना पड़ता है, और घर के काम को करने के साथ साथ वो अपना काम भी करती हैं जिन्हें उन्हें पैसे मिलते हैं, और अपने परिवार का भरण पोषण वो बहुत अच्छे से करती है। तो चलिए लेकर चलते हैं हम आपको एक ऐसी जगह पे जहाँ महिलाएं स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर हो रही हैं। जज्बा यदि देखना हो तो रांची जिला के हाजी चौक पर आइए, जहाँ सायरा आलम नाम की एक महिला ने खुद के घर पर ही एक बहुत ही अच्छा सा, सुंदर सा और काफ़ी छोटे बजट में अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोला है। जिस उम्र में महिलाएं अपने पति पर, अपने बच्चों पर निर्भर हो जाती हैं, उस उम्र में सायरा आलम ने महिला सशक्तिकरण का एक नया अध्याय लिख दिया है। सायरा आलम जी काफ़ी छोटे बजट में पार्लर तो चला ही रही हैं, साथ ही साथ लोगों को, समाज को एक संदेश भी दे रही हैं कि यदि आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, आप किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हो, आप गांव के हो या शहर के हो, यदि आपके अंदर जज्बा है, कुछ कर दिखाने की क्षमता है, तो आप कहीं से भी खुद का रोजगार खोज सकते हैं और आपको कहीं और पलायन करके या किसी और के लिए काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए आज हम बात करते हैं सायरा आलम जी से और ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस उम्र में भी वो इतनी ऊर्जावान कैसे हैं और किस प्रकार से उन्होंने अपने इस छोटे से दुकान को खोला और उनमें क्या कठिनाई आई और किस प्रकार से वो अपना रोजगार चला रही हैं। तो आइए स्वागत करते हैं सायरा आलम जी। आज के जमाने में स्वरोजगार का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आज की बढ़ती जनसंख्या के कारण जब सबके लिए नौकरी असंभव सी हो गई है, तो ऐसे में लोग स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। आज जब बेरोजगारी का सबसे बड़ा खामियाजा महिलाएं भुगत रही हैं, तो ऐसे में उनके लिए स्वरोजगार के कई अवसर मौजूद हैं। ब्यूटी पार्लर का रोजगार ऐसे ही रोजगारों में से एक है। इस व्यवसाय से खुद को आत्मनिर्भर बनाया है झारखंड के रांची ज़िले के पुटकल टोली निवासी शायरा आलम ने। शायरा आलम, जिन्होंने मात्र 10वीं तक की पढ़ाई की है, उन्होंने ब्यूटीशियन का प्रशिक्षण हासिल कर खुद का पार्लर खोल लिया है। यहाँ ये सौंदर्य से जुड़ी हर तरह की सेवा देती हैं और उससे अच्छी आमदनी प्राप्त करती हैं। पिस्का मोड़ से किया, वहाँ से हमने सीखा, हर तरह का प्रोडक्ट वहाँ हमें जानकारी मिली, उसी तरह से हमने शुरू किया। पहली बार मैं घर घर जा कर की, सब लोगों को समझाया कि बस सब में ये क्षमता होना चाहिए, यंग दिखिए, अपने फेस को अच्छे रखिए। मैं भी मेहनत किए काफ़ी और आगे तक मैंने और सोचा है करने के लिए। अब तक तो कह सकते हैं आपको तो भी 60-70 महिला को हमने दिए हैं, वो हमसे संतुष्ट हैं और मेरी सर्कल में रहती हैं। कभी भी होता है तो हमको फ़ोन करती है वो, और मैं फेशियल, मसाज, वैक्स, आईब्रो, दुल्हन सजावट सारा चीज़ मैं जानती हूँ। हेयर स्टेट, हेयर कर्ली, स्पा, बॉडी स्पा, मैनी पेडिकोर, ये सारा चीज़ें मैं आज तक के तो 20-25 दुल्हन को तैयार कर चुकी हूँ, वो हमसे काफ़ी संतुष्ट रही। हाँ, चलाते चलाते भी मैं कुछ सीखी,
प्रोडक्ट, क्योंकि अभी नया चल रहा प्रोडक्ट, उस टाइम कुछ नहीं था प्रोडक्ट। अभी मैं अपने हिसाब से ही प्रोडक्ट बहुत सारा ली हूँ, मौसम के हिसाब से मेरा प्रोडक्ट चलता है सर। जैसे अभी डॉक्टर असल का है तो वो चिपचिपापन नहीं रहता है, अभी मौसम है चिपचिपा का तो वो चिपचिपापन आपको हटा देगा, वो नहीं रहेगा। और गर्मी के मौसम में ज़्यादातर VLCC गोल्ड, एक आता है मिंट, मिंट का रहता है, कुकुम्बर मिक्स रहता है, उससे मसाज करती हूँ। हमारी जितनी भी कस्टमर हैं हमसे संतुष्ट हैं। ठंड के लिए आपको और भी है, VLCC का है, अलविया का है, बहुत सारा चीज़ है मेरे पास। शायरा आलम बड़ी कम कीमत पर लोगों को अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट से फेसियल, मसाज, वैक्स, आईब्रो आदि करती हैं। इनके हाथों से लोगों के चेहरे में चमक आ जाती है। इनके ग्राहक इनके कार्य से काफ़ी संतुष्ट और खुश रहते हैं। नहीं, इसको थोड़ा नॉर्मल ही चलता है। ये आपका क्लींजर है 5 मिनट का, ये नॉर्मल हाथ चलेगा, आपको हल्का हाथों से करना है क्लींजर। ये क्लींजर इसलिए होता है ना सर कि जो इनका ऊपर का जैसे मेकअप करके आई हैं, फाउंडेशन लगाती हैं महिला लोग बाहर निकलती हैं, तो उनको ये क्लीन होता है, रिमूव का ये किया जाता है 5 मिनट के क्लींजर से। ये इनका मेकअप हटाया गया, समझिए क्लींजर करके, ये क्लींजर है, ये साफ कर दिया गया। अब जैसे अभी बारिश का मौसम है तो चिपचिपापन आ जाता है, तो इसके लिए हम एक विटामिन ई का टैबलेट डालेंगे स्किन के लिए, वो भी आप देख लीजिएगा। ये रहा टैबलेट आपका, ये इससे डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन ये सारा दूर होता है ये टैबलेट से। ज़्यादा बारिश के महीने में ये चीज़ यूज़ करते हैं हम लोग अपने पार्लर में, या ज़्यादा गर्मी। इसके साथ साथ मैं स्क्रब डालूँगी डॉक्टर असल का, ये भी हल्के हाथों से आपको स्क्रब होगा 7 मिनट का। इसका फ़ायदा ये है कि जो ऊपर का स्किन है ना, ड्राई हो जाता है ना, उसको रिमूव करने के लिए इसे पूरा तरह से क्लीन हो जाता है। हाँ, ये अंदर का जितना डस्ट वगैरह है ना, हाँ वो निकलने में मदद करता है ये स्क्रब से। जी, खुशी इस बात की मिलती है कि इन्हों लोग कहना है कि आपके पार्लर में दर्द नहीं होता है, और सारे पार्लर में बहुत दर्द होता है आईब्रो बनाने से। इनके यहाँ आने वाली ग्राहक बताती हैं कि शायरा आलम के हाथों में जादू है। ये कम कीमत पर बहुत अच्छी सेवा देती हैं। इनके प्रोडक्ट भी अच्छे होते हैं, जिससे चेहरे पर किसी तरह का संक्रमण नहीं होता। इनके ग्राहकों के परिवार के लोग भी इन्हीं के पार्लर में आते हैं। ये लोग अन्य लोगों को भी इन्हीं के पार्लर में आने की अनुशंसा करती हैं। और मेरे जितने भी फैमिली में हैं सब शायरा आलम से ही कराते हैं, हम भी कराते हैं, मेरे जितने फैमिली हैं सब इनसे कराते हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी से अच्छे से करती है शायरा आलम, प्रोडक्ट भी अच्छा है, अच्छा देती है। सबसे किफ़ायत दरों में शायरा आलम का ही है, जैसे VLCC, डॉक्टर रसल और शहनाज ये सबका, और भी बहुत सारा करती है, अच्छा करती है। मेरे पूरे फैमिली इन्हीं से कराते, 4-5 साल से मेरे पूरे फैमिली यही कराते हैं। हाँ, बाहर से अच्छा करती हैं शायरा आलम, अच्छा करती है। नहीं, ज़्यादा पैसा नहीं लेती। जैसे यहाँ पर आसपास में, इस आसपास में किसी को भी दुल्हन सजाना तैयार करना होता है तो सब शायरा आलम को ही बुलाते हैं, बहुत अच्छे से तैयार करती है दुल्हन को, और दुल्हन के पूरा फैमिली को भी बहुत अच्छे से करती है। घर जाके भी सर्विस देती है, दुल्हन को सजाती है, किसी का और जैसे एंगेजमेंट हो गया उसमें भी जाती है, अच्छे से करती है, बहुत बुलावा आता है इनको,
जी, पहले हम लोग कहीं और कराते थे तो मतलब कुछ रिएक्शन दिख जाता था, कभी दाग धब्बे नहीं मिटते थे, लेकिन इनका में वैसा कुछ बात नहीं है, पूरा 100% रिजल्ट देते हैं, बहुत आराम भी लगता है और क्वालिटी भी इनके यहाँ कुछ पूरा विश्वास है और पूरा इनका ग्लो हो जाता है। क्योंकि इनसे काम ले रहे हैं और ये बहुत अच्छा दे रहे हैं, इसलिए हम लोग सब इन्हीं के यहाँ हम लोग कॉन्टेक्ट में हम लोग कस्टमर भी भेजते हैं ताकि उनको भी अच्छा से ये सेवा दे सके और इनका सेवा बहुत अच्छा रहता है। हाँ, मैं सारी महिलाओं से अनुरोध करती हूँ कि बस मेरे तरह बनिए, हिम्मत है, अगर जज्बा है तो जीत है, जज्बा होना चाहिए इंसान के ऊपर, ऐसा नहीं कि नहीं, अंदर से उत्साह होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने के लिए कोई पैसा होना नहीं चाहिए, आपके ऊपर एक मेहनत बहुत बड़ा सफलता है। आप चाहिए तो 2 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, 5 रुपये शुरू करते, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ अपने हिम्मत से आगे बढ़ी हूँ। ये जो इतना प्रोडक्ट देख रही हैं, मेरे साथ जो बहनें जुड़ी हुई हैं, वो खुद जानती हैं कि किस लेवल से मैं आगे बढ़ी हूँ। मैं और लोगों को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आगे बढ़िए, पीछे मत हटिए, इसके लिए कोई लोगों का जरूरत नहीं होता है, बस आपके ऊपर हिम्मत होना चाहिए। महंगे प्रोडक्ट्स भी शुरू हो सकता है और सस्ते प्रोडक्ट्स भी हो सकता है। स्वरोजगार के लिए ब्यूटी पार्लर एक अच्छा विकल्प है, इसके लिए ज्यादा पढ़े लिखे होने की कोई जरूरत नहीं होती, कम पूंजी में भी इसकी शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे इसका विस्तार किया जा सकता है। शायरा आलम ने इसी बदौलत खुद के लिए रोजगार सृजित किया और उससे आमदनी प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन गई हैं। कहते हैं कि महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना उनके भविष्य को तय करता है। अब समय बदल चुका है, महिलाएं न सिर्फ घर के कामकाज तक सीमित हैं, बल्कि महिलाएं अब बाहर निकली हैं और अपने सपनों को भी पूरा कर रही हैं। तो हम आपको लेकर चलते हैं झारखंड के एक ऐसे गांव में जहां नर्सरी से जुड़कर महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो रही हैं। जी हाँ, यहां महिलाएं नर्सरी में अलग अलग तरह के पौधे को उगाती हैं जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। यहां पे अब महिलाएं अलग अलग ग्रुप बनाकर अलग अलग तरह के पौधे को उगाती हैं और साथ में उन्हें अच्छे दामों पर बेचती हैं। तो यहां महिलाएं अब अपने सपनों को पूरा कर रही है, तो चलिए दिखाते हैं आपको। नर्सरी ऐसे स्थान को कहते हैं जहाँ पौधों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ फूलों से लेकर सब्जियों तथा औषधीय पौधों तक को उगाया और बेचा जाता है। आज के युग में जब स्वरोजगार का महत्व बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में पौधों की नर्सरी स्वरोजगार का एक बेहतर साधन बन गया है। अपने झारखंड प्रदेश के रांची जिले के हेहल में झारखंड नर्सरी नामक नर्सरी खोलकर खुद के लिए एक बेहतर रोजगार खड़ा किया है हर्ष यादव ने। हर्ष यादव जो पहले मुंबई के एक बैंक में काम करते थे, उन्होंने नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर अपने माता पिता द्वारा शुरू की गई इस नर्सरी का विस्तार किया है। इनके साथ इस नर्सरी में 12 अन्य लोग भी काम कर रहे हैं, इससे इन सबको अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। और ये नर्सरी का नाम झारखंड नर्सरी है, हमारी मदर ने स्टार्ट किया था 2008 में एक्टिव सपोर्ट ऑफ माय फादर, जो कि बिजी ईएनटी स्पेशलिस्ट थे, और ये धीरे छोटे स्केल पे चलता था, धीरे धीरे ये थोड़ा बड़ा हुआ, फिर मैंने एक्टिव सर्विस से वीआरएस लिया और यहाँ पे इसको थोड़ा स्केल अप किया, और अभी सिचुएशन ये है कि यहाँ सारे प्लांट्स मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट आप प्लांट का नाम बताइए तो 90% चांस है कि यहाँ आपको मिल जाएगा, और ये अच्छा चल रहा है मेरे ख्याल से, और मैंने सीख भी लिया काफ़ी कुछ। पिछले 3-3.5 साल से मैं एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व हूँ। नर्सरी चलाना हमारे अकेले के बस की बात नहीं है, हमारे साथ 12 लोग काम करते हैं जो कि दिन भर प्लांट्स को चमकाते रहते हैं, लाते रहते हैं और पानी वानी पटाते रहते हैं, उसको प्रूनिंग करते रहते हैं, और मैं ओवरऑल देखता हूं और परचेज वगैरह या कहीं से मंगाना हुआ वो सब मैं देखता हूं। नहीं, यहां जितने लोग हैं सबको फुल टाइम है। जब लीन सीज़न रहता है, जब जैसे गर्मी में
कम सेल रहता है उस समय भी ये लोग यहीं रहते हैं और अपना कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, बिजी रहते हैं। यहाँ हमने ट्राई किया कि सारी प्रजाति रखें, इसमें आप बोलिए फ्रूट्स में बोलिए तो रेयर फ्रूट्स जो आप सोच सकते हैं, रामबूटान जो कि कम बिकते हैं, काजू या पिस्ता सारे कुछ है, या आप मेडिसिनल प्लांट्स ले लीजिए, सब सारे हैं। मेडिसिनल प्लांट्स में आपका गिलोय है, आपका पथल चट्टा है, तुलसी नीम सभी मेडिसिनल में ही है। नहीं बोलिए बोले कीड़े वगैरह लगते हैं, फंगल इन्फेक्शन लगते हैं, अगर आप हर चार दिन पाँच दिन में सूखे में, बारिश में तो आप नहीं कुछ कर सकते, लेकिन जब जैसे ही सूखा जैसे आज, तो आपको एंटी फंगल सिस्टमिक एंटी फंगल स्प्रे करना पड़ता है, या आपको कुछ कीड़े मारने वाले एफिड्स वगैरह के अटैक होता है वो सब के लिए करना पड़ता है इंसान। हर्ष यादव की ये नर्सरी एक एकड़ भूमि में फैली हुई है। यहाँ फूल फल सब्जी औषधीय तथा सजावटी पौधे सभी की दुर्लभ प्रजातियाँ मिल जाती है। हर्ष यादव बताते हैं कि इन्होंने इसका कहीं से प्रशिक्षण तो नहीं हासिल किया, किंतु इनके सीखने का सिलसिला हर दिन चलता रहता है। वे इससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं और इसका विस्तार करना चाहते हैं। वो युवाओं को भी संदेश देना चाहते हैं कि इसमें बड़ी संभावनाएं हैं, अतः इसे आत्मसात करके स्वरोजगार किया जा सकता है और अपनी आमदनी बढ़ाई जा सकती है। नहीं, हमारी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं हुई है, लेकिन मैं डेली ट्रेन होता रहता हूँ, जो हमें जिनसे मैं संपर्क में आता हूँ, जैसे दूसरे नर्सरीज या जो हमें सीडलिंग्स प्रोवाइड करते हैं, वो हमें अच्छा खासा ट्रेन कर देते हैं। और मैं ऐसे भी किताब उताब पढ़ता रहता हूँ, ICAR के की बुक्स रखा हो, जो प्लांट्स के बारे में कुछ डिटेल में जानना होता है उससे मैं कंसल्ट करता रहता हूँ। अगर इस लाइन का है तो पहले तो इंटरेस्ट लीजिए, ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। प्लांट्स बहुत बच्चे लोग आते हैं जो कि बहुत ही गदगद हो जाते हैं हमारे प्लांट्स देख के और ख़रीद के भी ले जाते हैं, उनको मैं स्पेशल डिस्काउंट भी देता हूँ उनको प्रोत्साहित करने के लिए। और एनवायरनमेंट के लिए तो बहुत ज़रूरी है, आप पेड़ लगाएं, अपने जितने लोग हैं फैमिली में हर बर्थडे में लगाएं, हर सालगिरह में लगाएं, गिफ्ट करें। जैसे मैं कज़ाकिस्तान में था तो तीन चीज़ गिफ्ट में जाते थे, एक तो कट फ्लावर्स रोज़ वगैरह जो होता है, दूसरा ये पौधे गमले में लगा के पौधे, और तीसरा तो जो स्टैंडर्ड है वाइन, ये जाते थे। तो इसी तरह यहाँ भी कल्चर बन गया है, बहुत लोग ले जाते हैं, जैसे किसी के यहाँ जा रहे हैं तो गमले में प्लांट्स लगवा के, इंडोर प्लांट्स खास करके लगवा के ले जाते हैं। नहीं, पहले तो आप अच्छी पढ़ाई लिखाई करें तो आप तो पूरे दुनिया देखें, जहाँ जा सकते जाइए, लेकिन यहाँ झारखंड में भी आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप इस लाइन में आना चाहें तो अगर आपके पास कुछ जगह ज़मीन है तो आप अच्छा खासा कर सकते हैं। आप किसी एक प्लांट को चूज़ कर सकते हैं और उसी को आप डेवलप कर सकते हैं, उसी को आप सेल कर सकते हो, ऐसा कई लोग कर रहे हैं जिनसे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। इस नर्सरी से हर्ष यादव ने स्वयं के लिए रोजगार खड़ा करके खुद को तो लाभान्वित किया ही है, उन्होंने इसके साथ साथ दूसरों को काम देकर उनके लिए भी रोजगार सृजित किया है। यहाँ काम करने वाले लोग बताते हैं कि यहाँ काम करते करते इन लोगों को यहाँ के सारे पौधों की जानकारी हो गई है। ये लोग ग्राहकों को ये पौधे दिखाते हैं और उन्हें बेचते हैं। यहाँ काम करने से उनकी बेरोजगारी दूर हुई है और इससे उन्हें एक अस्थायी आय प्राप्त हो रही है। मैं इस नर्सरी में फिलहाल 3 महीने से कर रही हूँ। हम लोग यहाँ सुबह में आते हैं और झाड़ू वगैरह कर लेते हैं, साफ़ सुथरा जो इतना पत्ता उत्ता होता है वो सब हटाते हैं, फिर जितने कस्टमर आते हैं उन लोग को हम लोग पौधा दिखाते हैं, उसका रेट बताते हैं, तो वो लोग जैसे पसंद होता है उस हिसाब से वो लोग लेते हैं, उसको हम लोग बिल बनवाते हैं भैया से। और यहाँ 1 साल से काम कर रहे हैं, यहाँ पेड़ पौधा का देखभाल करते हैं, कस्टमर को दिखाते हैं, पौधा के बारे में बताते हैं, पढ़ाई तो किए हैं इंटर तक, आगे का क्या यही सबको देखभाल करना है, देख रेख करना है पेड़ पौधा। इस नर्सरी में 3000 अवेलेबल प्लांट्स हैं, इसमें
बहुत तरह का प्लांट्स है, उसमें नाम है गया चाइना डोल, साइप्रेस, एरिका पाम, गुडलक, मुसंडा, रातरानी, कड़ी पत्ता, हरसिंगार, इस तरह के बहुत सब प्लांट्स है। मेडिसिनल प्लांट्स में आ गया है इंसुलिन, गुलमार, स्टीविया, एलोवेरा, हरसिंगार, इस तरह के मेडिसिन प्लांट्स है। इंसुलिन एक मेडिसिन प्लांट्स है, उसको आप सुबह खाली पेट में एक एक पत्ता चबाया जाता है। गुलमार को उसको भी उसी तरह एक एक पत्ता सुबह खाली पेट में चबाया जाएगा। मैं शुरू से लेकर यही अंत तक अभी कर रहा हूँ, और मेरा ये प्रशिक्षण तो नहीं किया लेकिन हमको करते करते आइडिया हो गया है। जितना यहाँ पेड़ पौधा आता है उसको देखभाल करते हैं, कस्टमर आते हैं उसको दिखाते हैं और तैयार भी करते हैं, खाद उद सब कुछ जितना देना है देते हैं। पौधों के देखभाल में एक एक पौधा का नाम जानते हैं, जैसे कि हुआ इरिलिया, ये हुआ बगनविलिया, ये हुआ बागम बहार, हुआ चांदनी, कुराटन, फिर हुआ आंवला, ये सब नाम जानते हैं पेड़ पौधा का, ये देते हैं खाद उद देते हैं, तैयार करते हैं हर, फिर जितना भी साफ़ सुथरा करते हैं, पटाना उटाना करते हैं। हाँ अभी तो यही काम करेंगे कि हम यहाँ 3 साल हो गया और अच्छा से काम भी कर रहे हैं, और हम लोग का सार भी हैं वो बहुत अच्छे हैं, हर कुछ हम लोग के लिए करते हैं देते हैं। नर्सरी वस्तुतः सिर्फ रोजगार की दृष्टि से ही नहीं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, कृषि क्षेत्र के विकास, हरियाली के संवर्धन तथा आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से भी फायदेमंद है। अतः इसका व्यवसाय करके स्वयं के लिए रोजगार तो सृजित किया ही जा सकता है, साथ ही साथ इससे पर्यावरण की सुरक्षा भी की जा सकती है। तो देखा आपने, कामयाबी पाने के लिए उम्र कोई मतलब नहीं रखती है, कोई मायने नहीं रखती है। जैसा कि आपने पिछले कार्यक्रम में देखा कि एक बुजुर्ग महिला जो कि काफ़ी ज़्यादा उम्र में है लेकिन वो भी अपना ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छे तरीके से चला रही हैं, और यहाँ भी आपने देखा कि हर्ष यादव जी अपने नर्सरी को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुचारू रूप से चला रहे हैं, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से मेंटेन करके रखे हैं, लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और साथ ही साथ पर्यावरण का भी ख्याल रख रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपके अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आप भी अपना कोई व्यवसाय करने का कोशिश करेंगे और अपने घर से पलायन करके दूर नहीं जाएंगे। तो तब बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तब तक के लिए दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाज़त। जय झारखंड, जोहार। लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।